कौशाम्बी में एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है। मामला चरवा थाना के बलीपुर टाटा गांव का है, जहां गांव के ही हामिद नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने निरंजन नाम के किसान की हत्या कर दी। दरअसल निरंजन ने हामिद से बटाई पर खेत लिया था, जिसे वसूलने जब हामिद पहुंचा तो दोनों के बीच मारपीट हो गई। जान बचाकर भागता निरंजन कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हामिद के खिलाफ तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया है। चरवा थाना क्षेत्र में निरंजन नाम के एक व्यक्ति ने हामिद की जमीन बटाई पे ली थी, उसका जो पैसा है वो दे नहीं रहा था काफ़ी समय से। आज हामिद उसके घर गया और उसको पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट हाथापाई हुई। इसी बीच जब निरंजन हाथ छुड़ा के भागा गांव में, तो गांव में एक सूखा कुआं था, उसमें वो गिर गया। पुलिस ने, फायर सर्विस ने काफ़ी प्रयास किया उसको रेस्क्यू करने का, लेकिन उसकी चोट लगने से मृत्यु हो गई। इस पे मृतक के भाई की ओर से हामिद के विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा दिखाया गया है। हामिद की अरेस्ट हो गई है, उसको जेल भेजा जा रहा है और बाकी मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया। महज 2,000 रुपए के लिए हुई मारपीट के चलते किसान की जान चली गई। घटना के बाद से मृतक के घर पर मातम पसरा है। बहरहाल मामले पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कौशाम्बी से शिवनंद साहू, पंजाब केसरी टीवी।